हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मेघाज ब्लॉसमिंग गार्डन। आज के वीडियो में हम बायो एंजाइम्स के बारे में जानेंगे जो कि हमें आने वाले सीजन के लिए तैयार करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बायो एंजाइम क्या है। बायो एंजाइम एक स्पेशलाइज टाइप का प्रोटीन है जो कि मिट्टी में माइक्रोब्स होते हैं, वह इसका उपयोग न्यूट्रिएंट्स बनाने के लिए करते हैं जो पौधे के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ये ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तब्दील करते हैं जो पौधों के लिए बेहद आसान बनाता है उसे सेल वॉल के थ्रू एब्जॉर्ब करने के लिए। बायो एंजाइम एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। ये इको फ्रेंडली सप्लीमेंट है जिसमें पौधे की ग्रोथ बढ़ने के लिए स्टिमुलेंट्स होते हैं जो कि सब्जी और फूल फलों के छिलके द्वारा बने होते हैं। ये पैदावार को बढ़ाता है और ज़्यादा फूल और फलों की मात्रा को बढ़ाता है जिससे ओवरऑल हमारे पौधे की ग्रोथ होती है, पौधा मजबूत बनता है। हम किन किन चीज़ों से बायो एंजाइम बना सकते हैं? तो लहसुन के छिलकों का बायो एंजाइम बना सकते हैं, फ्रूट्स यानी कि केले के छिलकों का बना सकते हैं, सिट्रस जैसे कि लेमन, संतरे, मौसमी के छिलकों का बना सकते हैं। हमारे पास सूखी हुई मिर्चियाँ पड़ी होती है फ्रिज में, तो उसका भी हम पानी में भिगाकर एंजाइम्स बना सकते हैं। ये मैं ताज़ा पौधे से एलोवेरा के ब्रांच तोड़ रही हूँ। एलोवेरा एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटी माइक्रोबियल होता है। साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और ऐसे प्लांट हार्मोन्स होते हैं जो कि नई जड़ों की ग्रोथ को बढ़ावा देता है, बीज के जर्मिनेशन में भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो अगर इसका हम एंजाइम बना के रखें तो ये तुरंत हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में ये काम आता है। साथ में हम चावल, जो पके हुए चावल होते हैं, उसका भी एंजाइम बना सकते हैं। हमारे किचन में मेथी दाना होता है, मेथी के सीड्स, मेथी की बीजे, उसका भी हम एंजाइम बना सकते हैं। और फूल जैसे कि गेंदा या गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों का भी एंजाइम बना सकते हैं। तो ये कुछ एंजाइम है जिसे हम बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इनमें से मिर्ची और लहसुन इंसेक्टिसाइड का काम करता है जिसे हम पेस्ट पर स्प्रे कर सकते हैं। चावल का एंजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है जो कि पेस्ट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, मिलीबग्स के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। बाकी जैसे कि लेमन, ऑरेंज, मौसम्बी, इन्हें हम ऑल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं और सभी पौधों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो लहसुन और मिर्ची का बायो एंजाइम हमें इंसेक्टिसाइड के पर्पस से करना है। बायो एंजाइम बनाने के लिए किन किन वस्तुओं का उपयोग होता है? यहाँ हमें फलों के छिलके लेना है, कोई भी फलों के छिलके, मिर्ची ले सकते हैं, साथ में गुड़ लेना है और एक ऐसी प्लेन बोतल लेना है। गुड़ कोई भी पुराना सा चलेगा, जितना पुराना हो अच्छा है, उससे ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी होगी। और हमें साथ में पानी भी लेना है। बायो एंजाइम बनाने के लिए हमें ये सब चीज़ें एक तय मात्रा में लेनी चाहिए। इसका एक प्रॉपर रेशियो होता है जो उसे हमें उसी रेशियो में लेना है। तो हमें गुड़, छिलके और पानी 1:3:10 की मात्रा में लेना है। कोई भी एक कटोरी या कप, कुछ भी ले सकते हैं। उसका एक भाग गुड़ होगा, 3 भाग कोई भी सब्जियां, फलों के छिलके और 10 भाग पानी होगा। इसे हमें इसी मात्रा में लेना है। तो बायो एंजाइम कैसे बनाएं? हम एक बोतल ले लेंगे इस तरह की, इसमें गुड़ डालेंगे, एक भाग गुड़ का होगा। अब इसमें हम 3 भाग छिलके डालेंगे।
और इसमें 10 भाग पानी डाल देंगे। पानी हमें 3/4 भरना है, 1/4 भाग ऊपर का खाली रहना चाहिए क्योंकि इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से गैस बनती है जिसे हमें समय समय पर निकालना है। तो आप गैसेस को निकालने के लिए बोतल का ढक्कन ढीला करके गैस को तुरंत निकाल दें। इसे ऐसी जगह रख जहां से आपकी इस पर आते जाते नज़र पड़े और आप इसकी गैस रिलीज करते रहें। इसे कांच के बर्तन में नहीं बनाना है, नहीं तो गैस रिलीज न होने की वजह से बोतल फूट भी सकती है। इस तरह से हम मिर्ची का भी बना लेंगे। ये हमारा मिर्ची का बायोएंजाइम तैयार हो गया। इस पर हम डेट डाल देंगे ताकि 3 महीने में ये तैयार हो जाए तो हमें पता चल जाए। बायोएंजाइम 3 महीने में बिल्कुल तैयार हो जाता है, जो छिलके अभी आपको ऊपर तैरते हुए नजर आएंगे ये डिकम्पोज होने के बाद नीचे की ओर बैठने लगते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस होने के बाद छिलके हमारे बेस में बैठ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अभी ताज़ा बनाया है बायोएंजाइम, उसके छिलके ऊपर तैर रहे हैं और जो बन चुके हैं उनके छिलके नीचे बेस में बैठ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं इस पर से कि ये हमारा बायोएंजाइम तैयार है या नहीं। अब हमारा बायोएंजाइम तैयार हो गया तो इसका इस्तेमाल कैसे करें? तो 1 मिलीलीटर बायोएंजाइम हमें 1 लीटर पानी में मिला लेना है, या आप 1 चम्मच बायोएंजाइम 5 लीटर पानी में मिला सकते हैं। इसे अच्छे से मिला लें। इसे आप रात में मिलाकर रख सकते हैं ताकि पानी में माइक्रोब्स मल्टीप्लाई हो जाए। रात भर में पानी में ये कई गुना बढ़ जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पौधों को ही फायदा मिलता है। रात को मिलाकर वैसे ही छोड़ दे। और सुबह इसे पौधे पर स्प्रे करें। इसे आप मिट्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसको आप चाहे तो स्प्रे कर सकते हैं या फिर मिट्टी में डाल सकते हैं। बायोएंजाइम के उपयोग के बारे में देख लेते हैं। इसे हम पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं। इसका उपयोग हम मिट्टी में भी डालकर कर सकते हैं। मिट्टी में ये न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन कर बहुत ही आसानी से पौधों की रूट्स के लिए ये न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध कराते हैं। तीसरा, इसे इंसेक्टिसाइड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गेंदा या फिर लहसुन और मिर्ची के छिलकों का पौधों पर इंसेक्ट या पेस्ट का हमला हो जाए आप उस पर स्प्रे कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव है। चौथा ये कि रेगुलर यूज़ के लिए आप सिट्रस और सब्जी व फलों के छिलके का यूज़ कर सकते हैं। बायोएंजाइम अलग अलग बनाने की जगह इकट्ठा एक कॉमन भी बना सकते हैं। सिर्फ लहसुन के छिलके का और मिर्ची का अलग बनाना है। बायोएंजाइम तैयार होने के बाद आप इसे किसी अन्य बोतल में छान लें और जो बचा हुआ गूदा है उसे आप कंपोस्ट में भी डाल सकते हैं। इससे हमारी कंपोस्टिंग भी फास्ट हो जाएगी। साथ में कंपोस्टिंग में बायोएंजाइम भी मिला सकते हैं प्रोसेस को तेज करने के लिए। इसका इस्तेमाल फ्लोर क्लीनर, बर्तन, कपड़े साफ करने के लिए कर सकते हैं। ये इसके अन्य कई उपयोग है। तो आने वाले सीजन के लिए रहिए तैयार और बायोएंजाइम ज़रूर से बनाएं और अपने पौधों को अच्छी ग्रोथ के लिए सौगात दें। आशा है वीडियो आपको पसंद आएगा। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।